हज़बिल्लिमिन शैतमान बसमीम डयर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर फर्स्ट फर्स्ट ईयर कोर्स में मेजरमेंट चैप्टर फर्स्ट ईयर कोर्स भी हम पैरेलल शुरू कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड uh, डेट uh, है ट्वेंटी सितंबर या ट्वेंटी सेवन सितम्बर तो इसलिए फर्स्ट ईयर कोर्स भी जो है uh, वो हम पैरेलल में स्टार्ट करें ऑनलाइन फर्स्ट चैप्टर में मेजरमेंट आपके पास है ठीक है मेजरमेंट में अगर आप देखें तो फिज़िक्स uh, के डिफीनिशन से Uh, जो है वो स्टार्ट किया है फिजिक्स का डिफिनीशन चूंकि टाइम कम है तो अब definition में फिनिशन हम नहीं करेंगे फिजिक्स आपके पास जो है मॉडर्न डिफिनीशन जो है द स्टडी ऑफ मास एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप ठीक है तो आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन के बेस पे फिजिक्स का डिफिनेशन किया गया है ई इज इक्वल टू एम सी ठीक है ई e आपके पास जो है दिस इज फॉर द एनर्जी और एम आपके पास जो है दिस इज फॉर मास और याद रखे मास को हम कहते हैं दिस इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ठीक है और इस इक्वेशन के मुताबिक से एनर्जी एंड मास दे आर इंटरडिपेंडेंट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ठीक है वेयर सी स्क्वेयर आपके पास जो है दिस इज अ प्रोपोशनैलिटी

वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है और इनहेल्यूशन ऑफ मैटर में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपके पास जो है जब इसको हम मिलाते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं गामा रेज में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग ये चीज पढ़ चुके हैं ठीक है तो बाकी इसमें हम और डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि जरूरत ही नहीं है ठीक है फिजिक्स के मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं लेकिन इसके जो मेन दो ब्रांचेज है वो क्लासिकल फिजिक्स जिसको हम ओल्ड फिजिक्स फिजिक्स भी कहते हैं और फिजिक्स भी कहते कहते हैं हैं और ठीक है और दूसरा आपके पास जो है मॉडर्न फिजिक्स है क्लासिकल फिजिक्स में हम बॉडीज को पढ़ते हैं ठीक है एंड मोशन विद स्मॉल स्पीड्स मॉडर्न फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और मोशन विद हाई स्पीड जिसको हम रिलेटिविस्टिक स्पीड कहते हैं ठीक है तो ये दो मेन ब्रांचेज है बाकी आपके पास और ब्रांचेस भी है ठीक है मेजरमेंट आपके पास क्या होता है मेजरमेंट कंपेरिजन ऑफ अनोन फिजिकल क्वान्टिटी विद अजिकल क्वान्टिटी ठीक है मयरमेंट का सिंपल मतलब आपके पास होता है द कंपेरिजन ऑफ अन फिजिकल क्वान्टिटीज ऑफ अन फिजिकल क्वान्टिटी विदिजिकल क्वान्टिटी ठीक है इसको हम बेसिकली कहते हैं मयरमेंट और नॉन फिजिकल क्वान्टिटी आपके पास है इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज स्टैंडर्ड ठीक है या स्टैंडर्ड को हम कहते हैं यूनिट क्वांटिटी, ठीक है या यूनिट क्वांटिटी के बजाय सिंपली आप इसको लिख सकते हैं दिस इज ओनली द कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल नोन फिजिकल क्वांटिटी ठीक है लेकिन इन दोनों का नेचर आपके पास सेम होना चाहिए मास मास के साथ टाइम टाइम के साथ लेंथ लेंथ के साथ ठीक है अच्छा इसके बाद आपके पास जो है फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है हर वो चीज जिसको हम मैयर कर सके ऑब्जर्व कर सके उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं ठीक है और फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास दो किस्म के हैं ठीक है उसको भी फिर डिवाइड किया गया है बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है बेस बेईस या फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ ठीक है अब इसका डिफीनिशन आपके पास क्या है बेस या फंडामेंटल का डिफीनिशन उम्मीद है आप लोगों को आता होगा ठीक है फंडामेंटल क्वांटिटीज है? तो कहते हैं ठीक है? है तो सिस्टम ऑफ यूनिटोर सिक्सटी तीन सिस्टम्स थे सीजीएस एंड एम सिस्टम ठीक है और नाइनटीन में mks सिस्टम को मॉडिफाइड किया गया एंड द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ mks सिस्टम इज नोन एज si सिस्टम और si सिस्टम में सेवन क्वांटिटीज को फंडामेंटल कहा गया ठीक है मास लेंथ टाइम टेम्परेचर ठीक है वगैरह इसको सेवन फिजिकल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर किया गया ठीक है और इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको डिराइव्ड कहा गया है फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जो और फिजिकल क्वांटिटी से बने होते हैं ठीक है तो उसको हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं अच्छा अब ऐसे ही सिस्टम में सेवन क्वांटिटीज आपके पास फंडामेंटल है बाकी आपके पास दे आर डिराइवड फिजिकल क्वांटिटीज सही है अच्छा अब हमारे पास कुछ क्वांटिटीज है जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इसको हम क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपके पास जो है नॉट फंडामेंटल नॉट डिराइवड आज तक हम यह फैसला ना नहीं कर चुके कि हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को बेस या फंडामेंटल में डाल दें या डिराइव में डाल दें बिकॉज द नेचर ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर टोटली डिफरेंट तो इसलिए आज तक यह फैसला हम नहीं कर चुके इसको हम फंडमेंटल में रख लेको हम डिराइव में रख ले, इसको हम में रख ले. तो इसलिए क्वान्टिटीज ठीक है दो किसम के आपके पास है ठीक है फर्स्ट आपके पास जो है प्लेन एंगल और सेकेंड आपके पास जो है सॉलिड एंगलो प्योरली जोमेट्रिकल क्वान्टिटीज है यह दोनों प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वान्टिटीज है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल ठीक है प्लेन एंगल आपके पास क्या है प्लेन एंगल आपके पास क्या है अगर मैं एक सर्कल को लू ठीक है और यहां से मैं दिस इज ओ ये आपके पास ए पॉइंट दिस इज बी एंड दिस इज आर इसको हम कहते हैं दिस इज ए बी आर्क और ए बी आर को हम एस कहते हैं दिस इज रेडियस ये आर्क लेंथ सेंटर ऑफ सर्कल पे जो एंगल बनाता है उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं तो डिफिनीशन में नहीं लेकर मैंने आपको बता दिया कि डिफिनीशन का टाइम हमारे पास नहीं है डिफिनिशन आप खुद पढ़ा करें ठीक है प्लेन एंगल द एंगल सब्सटेंडेड बाय आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल द एंगल सब्सटेंडेड बाय द आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज प्लेन एंगल देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये फर्जी होते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपके पास होते हैं, ये फर्जी होता है सिंबल्स आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मोस्टली जो सिंबल यूज है, करते हैं ठीक है सो प्लेन एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है इस यहां पर आपके पास लेंथ है आर आपके पास हो दिस इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल ठीक है और आपके पास जो फार्मूला है अगर मैं इसको थोड़ा सा दो तीन स्टेप्स में कर लो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इफ थीटा इज केप्ट कांस्टेंट ठीक है अगर आप रेडियस को बढ़ा रहे आप थोड़ा सा इस डायग्राम को देख सकते हैं अगर मैं रेडियस को बढ़ा रहा हूं अगर मैं रेडियस को बढ़ा रहा हूं तो आर्क लेंथ आपके पास बढ़ रहा है थीटा कांस्टेंट है थीटा कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ठीक है अगर आप दो सर्कल जिसके रेडियाई डिफरेंट है जिसके रेडियाई डिफरेंट है अगर उसका सेम प्लेन एंगल आप ले रहे हैं तो आर्क लेंथ आपके पास डिफरेंट होगा और मैं रेशियोज अगर लिख लू तो एस वन डिवाइड टू आर वन डिवाइड बाय आर टू ठीक है एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा इफ आर इज केप्ट कांस्टेंट इसको समझना आसान है अगर मैं थीटा को बढ़ा रहा हूं आप यहां से देख सकते हैं अगर मैं थीटा को बढ़ा रहा हूं ठीक है अगर मैं थीटा को बढ़ा रहा हूं तो आर्क लेंथ भी आपके पास बढ़ रहा है ठीक है इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज केप्ट कांस्टेंट देखिए अगर मैं आर्क लेंथ को बढ़ा थीटा को बढ़ा रहा हूं तो आर्क लेंथ भी बढ़ता है ठीक है और अगर मैं यहां पर इसका रेशियोज लिख लू तो एस वन डिवाइड टू इज इक्वल टू तीटा वन डिवाइड बाय तीटा टू अच्छा अब अब दोनों को अगर मैं मिला लू तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर थीटा प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं खत्म कर लू तो के आर थीटा और के आपके पास किस चीज के बराबर है वन के बराबर है तो एस इज इक्वल टू आर थीटा ठीक है ये आपके पास इक्वेशन बन गया है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के का वैल्यू आपके पास जो है वो वन है अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स के जेन में ये आएगा कि कूलम्स कूलम्स लॉ में के जो है उसका वैल्यू वन नहीं है लेकिन यहां पर वन है ठीक है तो याद रखे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा ये हमें एक्सपेरिमेंट बताते हैं एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल जाता है s r. और थीटा आपके पास क्या है प्लेन एंगल है तो देखिए प्लेन एंगल का डिफीनिशन आपके पास ये हो गया द रेशो ऑफ आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल द रेशो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज नोन एज अ प्लेन एंगल तो यह भी डिफिनेशन है सर्कल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज नोन एज प्लेन एंगल तो यह भी आपके पास प्लेन एंगल का डिफिनेशन है ठीक है अच्छा अब यहां पर अगर मैं लो स्टर्ड यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट तो स्टैंडर्ड यूनिट आपके पास जो है प्लेन एंगल का वो आपके पास रेडियन है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज अ रेडियन ठीक है अच्छा और वन रेडियन किस चीज के बराबर है वन रेडियन का डिफिनीशन क्या है इफ एस इज इक्वल टू आर इफ आर क्लेन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल इफ एस इज इक्वल टू आर अगर आर क्लेन रेडियस ऑफ अ सर्कल के बराबर हो जाए तो फिर हम कहते हैं थीटा इस आर्क लेंथ का वन रेडियन होगा ठीक है अगर मैं एग्जाम्पल जो है वो करूं एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर वन इफ एस इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर और रेडियस भी आपके पास टू सेंटीमीटर है एस भी आपके पास टू सेंटीमीटर है रेडियस भी आपके पास टू सेंटीमीटर है तो तीटा आपके पास जो होगा इट विल बी इक्वल टू

ठीक है ये एस वाई आर यह आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बताता है ठीक है और आपके पास जो रेडियन है दिस इज अ प्रॉपर यूनिट रेडियन आपके पास है ये आपके पास प्रॉपर यूनिट है और यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू मिलकर आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है कि हाउ मच अ फिजिकल क्वांटिटी इज मोर आर लेस देन स्टैंडर्ड ठीक है आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपको ये बताता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी कितना ज्यादा है या कितना कम है फ्रॉम द स्टैंडर्ड वैल्यू ठीक है इसका मतलब आपके पास जो है वो ये होता है ठीक है अब अगर मैं लिख लो कि आपके पास मास है मास इज इक्वल टू वन के जी अगर अगर मैं, मैं लिख लो मास इज इक्वल टू फाइव के जी तो फाइव के जी का मतलब होता है फाइव टाइम्स ऑफ वन के जी तो इसका मतलब ये होता है कि ये मास जिसके हम बात कर करें दिस इज फाइव टाइम्स दिस इज फाइव टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड वन किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट है और जो मास सपोज मैंने किया है वो five times of standard है वो टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड तो न्यूमेरिकल नंबर आपको ये बताता है कि हाउ मच टाइम्स द मयर्ड वैल्यू इज मोर आर लेस देन द फिजिकल क्वांटिटी या स्टैंडर्ड ठीक है तो ये आपके पास रेडियन का डिफिनेशन आपके पास होगी और कंप्लीट फॉर्मूला एस डिड बाई आर रेडियन ठीक है अब अगर मैं लिख लो कि इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ रेडियस अगर मैं लिख लो अब चलिए सर्कल इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल देन प्लेन एंगल विल बी इक्वल टू डैश प्लेन एंगल आपके पास है वो क्या होगा ठीक है तो मैं लिख सकता हूं वन रेडियन टू रेडियन ठीक है सी ऑप्शन आपके पास जो है इज 114 डिग्री और डी ऑप्शन आपके पास जो है this is 57 डिग्री। तो आंसर आपके पास जो है, रेडियन। अगर यहां पर मैं लिख लू तो इज इक्वल टू डिश इन रेडियन मैं इसको चेंज कर रहा हूं मैं इसको लिख लूंगा वन डिग्री ठीक है तो ये आपके पास आंसर जो है टू रेडियन है सही है तो ये आपके पास एक मॉडल एमसीक्यू तो देखिए अगर आर्क लेंथ आपको हो, रेडियस है, तो थीटा क्या होगा वो आप इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं ठीक है तो ये आपके पास एक मॉडल एमसीक्यू अच्छा अब इसके और भी यूनिट्स है रेडियन आपके पास वो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है ठीक है अब यहां पर मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि मैक्सिमम एंगल आपके पास क्या होगा तो इसके लिए सरकमफेरेंस

इज द मैक्सिमम आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल दिस इज द मैक्सिमम आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल तो मैं अगर आपसे पूछू इस मैक्सिमम यह किस चीज के बराबर होगा सरकम सरकमफेरेंस किस चीज के बराबर होगा दिस विल बी इक्वल टू टू पाई आर ये आपके पास टू पाई आर के बराबर होगा ठीक है अब अगर मैं आपसे पूछू द एंगल

आपसे पूछा जा सकता है वट इज द मैक्सिम वट इज द एंगल ऑफ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सर्कल इज द एंगल ऑफ मैक्सिम लेंथ ऑफ अ सर्कल या सर्कल का जो आर्क लेंथ है वो मैक्सिमम कितना एंगल बना सकता है तो टू पाई रेडियन या इसको इस तरह भी लिख सकते हो पाई थ्री पॉइंट वन फोर तो ये आपके पास सिक्स पॉइंट टू एट रेडियन आपके पास होगा ठीक है सो दिस इज द एंगल सबस्टेंडेड बाय सर्कम ऑफ अ सर्कल अब यहां पर आप इसको देख ले एंगल सबस्टेंडेड बाय सर्कम अ सर्कल दिस इज इंडिपेंडेंट ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैं यहां पर लिख लेता हूं ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट uh, कंसेप्ट है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर डायमीटर एरिया सरकमफेरेंस याद रखे जो मैक्सिमम एंगल है ठीक है या सरकमफेरेंस का जो एंगल है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर डायमीटर एरिया एंड सरकमेंस ठीक है ये बात याद रखिए आपके पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्या मतलब इसका अगर आपके पास एक इतना छोटा सा सर्कल है या इससे बड़ा सर्कल है तो ये भी टू पैरिडिन एंगल को बनाता है और ये भी टू पाई रेडियन एंगल को बनाता है तो याद रखिए आपको रेडियस में कंफ्यूज किया जा सकता है आपको डायमीटर में कंफ्यूज किया जा सकता है आपको में कंफ्यूज किया जा सकता है आपको एरिया में कंफ्यूज किया जा सकता है ठीक है लेकिन ये बात याद रखिए कि सरकमफेरेंस जो एंगल बनाता है वो हमेशा आपके पास टू पाई रेडियन होगा अगर मैं लिख लो एक एमसीक्यू ठीक है द uh, एंगल substended the angle subtended by circle having 2 centimeter uh, radius angle subtended by circle having 2 centimeter radius at its center 2 okay, 6.28 <coughs> radian then angle subtended, then angle subtended by circumference of another circle having 4 centimeter radius at its center will be dish. Okay, option may लिख लेता हूं दैट इज टू पाई रेडियन बी ऑप्शन आपके पास वन रेडियन सी ऑप्शन आपके पास वन डिग्री और डी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज फोर पाई रेडियन ठीक है आप थोड़े तो से क्वेश्चन को देखें मैंने यहां पर था एंगल सबसे ने बाय सर्कल ऑफ सर्कल टू सेंटीमीटर रेडियस तो अगर दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस फोर सेंटीमीटर है कितना एंगल बनाएगा तो देखिए अगर सर्कल का डायमीटर डबल हो जाए रेडियस डबल हो जाए सरकमफेरेंस डबल हो जाए एरिया डबल हो जाए ठीक है तो याद रखिए सरकमफेरेंस के एंगल पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा वो आपके पास पाई रेडियन ही होगा एक सर्कल जो है वो टू पाई रेडियन से ज्यादा एंगल नहीं बना सकता सो द मैक्सिमम एंगल द मैक्सिमम एंगल बाय द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज अ टू पा रेडियन एंगल सब्सटेंडेड बाय मैक्सिमम आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल इज टू पाई रेडियन ठीक है अगर आप एरिया को डबल करें रेडियस को एरिया को सरकमीटर को डायमीटर को, अब जितने भी टाइम चेंज करें तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल वो टू पाई रेडियन एंगल को बनाएगा ठीक है ये बात याद रखिए। सो दिस इज वन ऑफ द मॉडल एम इन अ रेडियन यहां पर जो पाई हमने लिख लिया पाई तो पाई का डिफिनेशन आपके पास क्या है द रेशो ऑफ ऑफ अ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ठीक है इसको हम कहते हैं दिस इज पाई द रेशो ऑफ ऑफ अ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई इसको हम पाई कहते हैं ठीक है तो ये आपके पास पाई का डिफिनेशन हो गया अच्छा अब यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिग्री डिग्री इज आल्सो यूनिट ऑफ प्लेन एंगल दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल बट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी एक से ज्यादा यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन सारे स्टैंडर्ड नहीं होते हैं ठीक है उसमें आपके पास जो है एक कोई एक जो है वो स्टैंडर्ड होते वो डिपेंड करता है सिस्टम पर ठीक है तो डिग्री आपके पास यूनिट ऑफ विच इज नॉट स्टैंडर्ड ठीक है वन डिग्री दिस इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई थ्री ऑफ सर्कम ऑफ सर्कल वन डिग्री आपके पास दिस इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी ऑफ सर्कम फेरेंस ऑफ अ सर्कल ठीक है of of मतलब ये है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को अगर आप 360 सिक्सटी इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट का एंगल वन डिग्री होगा ठीक है यह बात आप लोग याद रखें या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं एंगल ऑफ सरकमफेरेंस इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री तो देखिए सरकमफेरेंस का एंगल टू पाई रेडियन भी है और थ्री सिक्सटी डिग्री भी है तो मैं लिख सकता हूं टू पाई रेडियन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री टू पाई रेडियन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री और अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो वन रेडियन आपके पास बन जाएगा थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइड बाय टू पाई और अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास बन जाता है वन रेडियन इज इक्वल टू फिफ्टी सेवन डिग्री तो ये इक्वेशन आपको बता रहे कि रेडियन इज लार्जर देन डिग्री रेडियन डिग्री से लार्जर है ठीक है और अगर मैं इंटर कन्वर्जन, अगर मैं इंटर कन्वर्जन करना चाहता हूं तो इन टाइम्स ऑफ वन रेडियन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ 57 डिग्री टू रेडियन कितने डिग्री के बराबर है तो टू मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे. ठीक है फोर रेडियन तो कितने डिग्री के बराबर तो फोर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें ठीक है और मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि वन डिग्री इज इक्वल टू टू पाई रेडियन डिवाइड बाय थ्री सिक्सटी ठीक है तो मैं यहां से लिख सकता हूं वन डिग्री आपके पास जो होगा दिस विल इक्वल टू ये आपके पास इक्वल होगा वन डिग्री इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय फिफ्टी सेवन रेडियन वन डिवाइड बाय फिफ्टी सेवन रेडियन आपके पास होगा ठीक है अच्छा सो so, n टाइम्स ऑफ वन डिग्री दिस इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ वन डिवाइड बाय फिफ्टी सेवन रेडियन ये भी आप कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं रेडियन से आप डिग्री में जा सकते हैं डिग्री से आप रेडियन में जा सकते हैं ठीक है तो ये बात याद रखें अच्छा देखिए, रिवॉल्यूशन भी आपके पास यूनिट है रिवॉल्यूशन यहां पर लिख लेता हूं रिवोल्यूशन आपके पास जो है दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल ठीक है वन रिवोल्यूशन दिस इज इक्वल टू टू पाई रेडियन ठीक है तो अगर मैं लिख लो एन रिवोल्यूशन एन टाइम्स ऑफ वन रिवोल्यूशन दिस इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ टू पाई रेडियन एन टाइम्स ऑफ वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू एन टाइम ऑफ टू पाई रेडियन अगर दो रिवोल्यूशन है तो एन होगा टू दोनों साइड मल्टीप्लाई करें अगर तीन रिवोल्यूशन है तो एन थ्री होगा दोनों साइड पे थ्री आप मल्टीप्लाई करें ठीक है आर मैं लिख सकता हूं वन रेडियन इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय टू पाई रिवोल्यूशन वन रेडियन इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय टू पाई रिवोल्यूशन या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एन टाइम्स ऑफ वन रेडियन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ वन डिवाइड बाय टू पाई रिवोल्यूशन तो देखिए आप रिवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को आप रिवोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर मैं रिवोल्यूशन कितने रेडियन रेडियन के बराबर होगा so, N 10 होगा सो दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें अगर मैं रिवोल्यूशन को बराबर होगा तो ये दस होगा तो आप रिवोल्यूशन से रेडियन में जा सकते हैं और रेडियन से आप रिवोल्यूशन में जा सकते हैं ठीक है तो ये बात आप लोग याद रखिए अच्छा इसके और भी स्मॉलर यूनिट्स हैं स्मॉलर यूनिट्स मिनट्स एंड सेकेंड्स वन मिनट ये टाइम के यूनिट नहीं है यहां पर प्लेन एंगल के हैं वन मिनट वन डिवाइड बाय सिक्स डिग्री इसका मतलब क्या है क्या वन डिग्री को आप सिक्सटी इक्वल पार्ट में डिवाइड करें वन डिग्री को आप सिक्सटी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देखिए इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं सिक्सटी मिनट्स यहां पर मिनट्स प्लेन एंगल का यूनिट है तो वन डिग्री को सिक्सटी इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो एक पार्ट का एंगल वो वन मिनट हो होगा ठीक है और सिमिलरली आपके पास सेकंड है सेकंड इज इक्वल बाय मिनट्स, ठीक है अगर वन मिनट को आप सिक्सटी अगर मैं लिख लो वन मिनट को आप सिक्सटी सेकंड्स लिख सकते हैं ठीक है ठीके? मतलब ये है कि वन डिग्री को अगर सिक्सटी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए वन डिग्री को अगर सिक्सटी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो एक पार्ट का एंगल वन मिनट होगा ठीक है अगर वन डिग्री को सिक्सटी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो एक जो पार्ट होगा उसका एंगल वन मिनट होगा और अगर वन मिनट को आप सिक्सटी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक पार्ट का एंगल वन सेकंड होगा हेयर मिनट्स एंड सेकंड्स द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल और ये स्मॉल यूनिट है और मैं अगर आपसे पूछू कि रेडियन जो है रेडियन और डिग्री में कौन सा बड़ा यूनिट है तो याद रखिए रेडियन इज लार्ज यूनिट देन डिग्री क्योंकि रेडियन 57 डिग्री के बराबर है तो रेडियन आपके पास है वो लार्ज यूनिट है अच्छा अब ये देखिए आपने थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर इनटू रेडियन अब इस रेडियन को मैं डिग्री से भी रिप्लेस कर सकता हूं वन रेडियन कितने डिग्री के बराबर है 57 डिग्री के बराबर है ठीक है तो डायरेक्टली अगर आपको आर्क लेंथ गिवन हो, रेडियस ऑफ सर्कल तो डायरेक्टली डिग्री में आप इससे मालूम कर सकते अगर आर्क तो रेडियस गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले से रेडियन में मालूम कर सकते एंगल ठीक है आप देखिए घर में लिख लो कि आपके पास जो है घर में लिख लो इफ एस इज इक्वल टू आर्क लेंथ टू टाइम ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इफ द आर्क लेंथ ज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्कल देन प्लेन एंगल विल बी इक्वल टू डे डिग्री ठीक है कितना डिग्री आपके पास होगा ठीक है तो अगर आप इसमें पुट करें मैं लिख लूंगा टू रेडियन बी ऑप्शन 114, सी ऑप्शन आपके पास जो है टू और डी ऑप्शन आपके पास वन रेडियन तो आंसर आपके पास क्या होगा एस टू आर टू आर पुट करे आर आर की आंसर टू मल्टीप्लाई सेन फोर्टीन आपके पास आंसर हो जाएगा ठीक है तो एस वाई आर रेडियन अगर आपको आर्क लेंथ गिवन हो और रेडियस डायरेक्टली रेडियन रेडियस गिवन हो डायरेक्टली आप इससे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है सो दीज आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स इन द प्लेन एंगल ठीक है ये प्लेन एंगल में इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपके पास जो है बन गए ठीक है अगर मैं आपसे पूछू हाफ सरकम कितना एंगल बनाते हैं हाफ सरकम तो पूरा सरकम फेरेंस टू पाई रेडियन तो हाफ सरकम फेरेंस पाई रेडियन ठीक है अगर मैं आपसे पूछू कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ वन ओवर फोर्थ ऑफ सरकम फेरेंस ऑफ सर्कल में यहां पर बना लेता हूं यहां पर मैं लिख लूंगा ठीक है एमसीक्यू मैं लिख लेता हूं वट विल बी Angle of two centimeter arc length of a circle of circumference, yeah, having circumference having twenty centimeter circumference. What will be the angle of two centimeter arc length of a circle having? 20 सेंटीमीटर सर्कम्फेरेंस एक सर्कल है उसका सर्कम्फेरेंस आपके पास 20 सेंटीमीटर है ठीक है तो उसका 2 सेंटीमीटर आर्क लेंथ आपके पास होगा वो कितना एंगल बनाएगा टू रेडियन बी ऑप्शन आपके पास जो है पाई बाय फाइव रेडियन सी ऑप्शन आपके पास जो है पाई डिग्री डी ऑप्शन आपके पास थ्री पाई डिवाइड बाय टू रेडियन ठीक है तो आप थोड़ा सा देख ले आपके पास सरकमफेरेंस कितना है ट्वेंटी सेंटीमीटर और आर्क लेंथ कितना है टू सेंटीमीटर तो मैं इस सरकमफेरेंस को किस नंबर पे डिवाइड करूं कि आर्क लेंथ टू सेंटीमीटर आ जाए तो टेन पे अब देखिए सरकमफेरेंस को अगर आप किसी नंबर पे डिवाइड करें मतलब सरकमफेरेंस का फ्रैक्शन लें तो वो आपको आर्क लेंथ देगा फ्रैक्शन ऑफ सरकम मींस आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल फ्रैक्शन ऑफ सरकमफेरेंस मींस लेंथ ऑफ ए सर्कल और ये आर्क लेंथ एंगल कितना बनाएगा तो सरकम का एंगल कितना है टू पाए रेडियम डिवाइड बाय एन अगर आप सरकमफेरेंस के एंगल को उसी नंबर पर डिवाइड करें या सरकमफेरेंस के एंगल का वही फ्रैक्शन लें तो आपके पास उस आर्क लेंथ का एंगल आ जाएगा इसका एंगल आपके पास आ जाए मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं सरकमफेरेंस का आप जो फ्रैक्शन ले रहे हैं ये आपका सरकमफेरेंस आप इसका कितना फ्रैक्शन ले रहे हैं हाफ ले रहे हैं वन और एट ले रहे हैं सिक्स ले रहे हैं फ्रैक्शन तो उतना फ्रैक्शन टू रेडियन का ले वो उसी आर्क लेंथ का एंगल आपके पास होगा तो देखिये मैं 20 सेंटीमीटर को किस नंबर पे डिवाइड करूं 2 सेंटीमीटर आ जाए 20 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस है मैं इसको किस नंबर पे डिवाइड कि 2 सेंटीमीटर आर्कलेंथ आ जाए तो 10, 10 पे ठीक है अगर आप इसको 10 पे डिवाइड करें तो ये 2 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस है तो टू पाई को भी आप टेन पे डिवाइड करें टू फाइव पाई डिवाइड बाय फाइव रेडियन अगर एक सर्कल है और उसका फेरेंस 20 सेंटीमीटर है तो उस सर्कल के 2 सेंटीमीटर आर्क लेंथ का जो एंगल होगा वो पाई डिवाइड बाय 5 रेडियन होगा वो पाई डिवाइड बाय 5 रेडियन होगा ठीक है ये बात याद रखिए तो सरकमफेरेंस को मैं किस नंबर पे डिवाइड करूं कि आर्क लेंथ आ जाए तो सरकमफेरेंस के एंगल 2 पाई को भी उसी नंबर पे डिवाइड करें उस आर्क लेंथ का एंगल आपके पास आ जाएगा ठीक है तो ये आपके पास एक लास्ट मॉडल एमसीक्यू आपके पास बन गए अच्छा प्लेन एंगल मैंने आपको नहीं बताया प्लेन एंगल इज अ टू डायमेंशनल एंगल और प्लेन एंगल आर्क लेंथ का या लेंथ का एंगल है तो मैं इस तरह भी कह सकता हूं द एंगल ऑफ अ लेंथ एट स्पेस द एंगल ऑफ लेंथ एट सम पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज प्लेन एंगल ठीक है एक लेंथ का एंगल अगर ये एक लेंथ है तो ये इस पॉइंट के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम आर्क लेंथ कहते हैं तो लेंथ का एंगल प्लेन एंगल टू डी एंगल है टू डायमेंशनल एंगल है प्लेन एंगल इज अ टू डायमेंशनल एंगल ठीक है आपके पास जो प्लेन एंगल है वो टू डायमेंशनल एंगल है ठीक है अब यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल आपके पास थ्री डी एंगल है एंड इसको हम लिख सकते हैं दिस इज द एंगल सबस्टेंडेड बाय सरफेस एरिया एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल याद रखे टू डी में सबसे सिंपलेस्ट आपके पास शेप जो है वो सर्कल है और थ्री डी में सबसे सिंपलेस्ट शेप आपके पास जो है वो स्फीयर है सो एंगल सबस्टेंडेड बाय सरफेस एरिया एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सॉलिड एंगल ठीक है और ये आपके पास जो है 3D एंगल है और ये भी प्योरली ज्योमेट्रिकल है ये ये अगर आपके पास स्फीयर है 3D में सबसे सिंपलिस्ट आपके पास जो शेप है वो आपके पास स्फीयर है ठीक है तो ये आपके पास सरफेस एरिया ये आपके पास सरफेस एरिया और इसका एंगल आपके पास जो है दिस इज अ सॉलिड एंगल ठीक है ये आपके पास एंगल है किस चीज का ठीक है इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं ठीक है एंड दिस इज द ऑफ अ रीडियर तो देखिए अगर मैं इस हाथ को लो ये हाथ का मेरा सरफेस एरिया किसी पॉइंट के साथ जो एंगल बनाता है जो सॉलिड एंगल कहलाता है ठीक है मैं अगर ये बुक लो बुक का सरफेस एरिया इस बुक का सरफेस एरिया किसी पॉइंट के साथ जो एंगल बनाते हैं वो सॉलिड एंगल कहलाएगा और जो लेंथ का एंगल होगा लेंथ का एंगल लेंथ का एंगल प्लेन एंगल कहलाता है और सरफेस एरिया का एंगल वो सॉलिड एंगल कहलाता है ठीक है तो यहां पर मैंने लिख लिया है प्लेन एंगल बी द एंगल ऑफ अ लेंथ एट समेस क्योंकि टू डी वन डी और थ्री डी स्पेस का ही आपके पास हिस्सा है ठीक है अच्छा इसका फॉर्मूला आपके पास जो है इसका फॉर्मूला द रेश ऑफ एरिया टू द स्क्र ऑफ रेडियस वहां पर आरकलेंथ और रेडियस का रेशो था यहां पर एरिया और आर स्क्वेयर का वहां पर आर क्यू था प्लेन एंगल में यहां पर आर स्क्र क्यू है एरिया है एरिया में आर पे स्क्वेयर होती है इसलिए आर स्क्वेयर और आरक लेंथ एक लेंथ है इसलिए रेडियस वहां पर है ठीक है अच्छा इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है द स्टेंडर्ड यूनिट तो स्टैंडर्ड यूनिट इसका स्टेडियन है Stereidian आपके पास है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ सॉलिड एंगल ठीक है और वन स्टेरेडियन को, को हम किसान कर सकते हैं हम डिफाइन कर सकते हैं इफ ए इज इक्वल टू आर स्क अगर सरफेस एरिया स्क रेडियस के बराबर हो जाए तो आप इस फॉर्मूले में देखे ना ठीक है स्टेरिडियन मैंने यहां पर लिख लिया और मैं फॉर्मूले को इस तरह लिख सकता हूं एस इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई आर स्क्टियन एस इज इक्वल टू ए डिवाइडियन ठीक है तो ये कंप्लीट फार्मूला बन गया ये न्यूमेरिकल नंबर ये आपके पास प्रॉपर यूनिट इफ ए इज इक्वल टू आर स्क्र इफ द सर्फेस एरिया इज इक्वल टू द स्क्र ऑफ रेडियस ऑफ स्क्र तो फिर आपके पास एस जो होगा वन स्टेरेडियन के बराबर होगा एग्जाम्पल अगर मैं दो ठीक है बल्कि मैं सी अगर लिख लो इफ सर्फेस एरिया एंगल सब्सटेंडेड बाय फोर सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया ऑफ अ स्फेयर एंगल सब्सटेंडेड बाय फोर सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया ऑफ अ स्फेयर एट द Center of a sphere having a radius two centimeter will be dash angle subtended by four centimeter square area of a sphere at the center of a sphere having radius two centimeter will be dash one radian be up to pass one steradian. सी आपके पास टू बल्कि टू पाई रेडियन और सी आपके डी uh, ऑप्शन आपके पास बन जाएगा फोर स्टे रेडियन ठीक है तो आप अगर फॉर्मूले में पुट कर ले एरिया फोर सेंटीमीटर स्क्वायर रेडियस टू सेंटीमीटर है तो टू सेंटीमीटर का स्क्वायर करें तो क्या बन जाता है फोर सेंटीमीटर तो आपके पास फोर सेंटीमीटर स्क्वायर डिड बाई फोर सेंटीमीटर स्क्र स्टेरेडियन कैंसल तो आपके पास वन स्टेरेडियन इसका आंसर आपके पास आ गया द सर्फेस एरिया ऑफ अर इज नून इज सॉलिड एंगल इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं ठीक है फॉर्मूला आपके पास ए डिवाइड बाय आर स्क्र स्टेडिडियन आपके पास बन गया है ठीक है अब यहां पर जो है अब हम ले रहे द एंगल सब्सटेंडेड बाय क्लोज सरफेस एरिया ऑफ अर देखिए आपके पास एक ओपन सरफेस एरिया होता है और एक क्लोज सरफेस एरिया होता है एक आपके पास ओपन सरफेस एरिया होता है और एक क्लोज सरफेस एरिया होता है तो वो सरफेस एरिया जो कि कुछ वॉल्यूम को बाउंड करता है स्पेस के वॉल्यूम को बाउंड करता है इनक्लोज करता है वो क्लोज सर्फिस एरिया कहलाता है आप जिस रूम में बैठे हुए हैं आप इस रूम का क्लोज सर्फिस एरिया क्या है One, two, three, four, five, six. आपके रूम के six है। और six के फेसेस फेसेस और एरियाज मालूम करके एड कर जाए तो आपके रूम का क्लोज सर्फिस एरिया आ जाएगा लेकिन एक दीवार का एरिया ओपन एरिया या फ्लेट एरिया छत का एरिया फ्लेड एरिया ओपन एरिया फ्लोर का फ्लेड एरिया या ओपन एरिया आपके पास है तो क्लोज सरफेस एरिया द एरिया ऑफ एनी थ्री डी बॉडी द एरिया विच इन क्लोज सम वॉल्यूम ऑफ स्पेस उसको हम क्लोज सरफेस एरिया कहते हैं क्योंकि यहां पर हमने स्फेयर लिया है हमने क्यों लिया है क्योंकि स्फेयर थ्री डी में से सबसे सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट आपके पास है ठीक है द एरिया ऑफ अ स्फेयर दिस इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वेयर एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वेयर ठीक है तो मैं अगर सॉलिड एंगल लिख लो सो एरिया ऑफ sphere डिवाइड बाय r square into स्टेरेडियन ठीक है तो मैं इसको लिख लूंगा फोर pi r square डिवाइड बाय r square into स्टेरेडियन और इस आपके पास बन जाएगा इस इज इक्वल टू फोर पाई स्टेरेडियन So, this is the angle subtended by बाय द surface area एरिया ऑफ sphere. ठीक है फोर पा रेडियन आप अगर इसमें देखें जिस तरह आपने सरकमफेरेंस के एंगल में पढ़ा टू पाई रेडियन उसमें भी रेडियस या डायमीटर या एरिया नहीं था या सरकमफेरेंस नहीं था ठीक है अब अगर आप इसमें देखें इसमें भी ना तो रेडियस है ना डायमीटर है ना लेंथ है ना एरिया है ना वॉल्यूम है तो मैं लिख लूंगा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में लिख लूंगा कि आपके पास इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ आर डायमीटर डी एरिया ए वॉल्यूम वी ठीक है इससे इंडिपेंडेंट आपके पास होता है सो so देखिये मैं इसके साथ भी लिख लेता हूं दिस इज द एंगल subtended the angle subtended by any closed surface area, by any closed surface area at uh, its interior point, atel uh, it's a uh, interior point. ठीक है, this is very important concept. देखिए हमने तो सफ़ेर से शुरू किया लेकिन हम इसको किसी भी थ्री ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दिस इज द एंगल बाय एनी क्लोज सरफेस एरिया एट इट्स इंटीरियर पॉइंट एनी क्लोज सर्फेस एरिया आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम के क्लोज सर्फेस एरिया का एंगल किसी इंटीरियर पॉइंट के साथ क्या है तो फोर पा स्टेडियम ठीक है फुटबॉल है फुटबॉल का क्लोज सर्फेस एरिया सेंटर के साथ विच इज द इंटीरियर पॉइंट ठीक है फोर पा स्टेडियन क्रिकेट बॉल का फोर पाडियन अर्थ का क्लोज सर्फिस एरिया अपने सेंटर के साथ पाई स्टेरेडियन तो देखिए अगर आप एक क्रिकेट बॉल ले रहे हैं आप एक फुटबॉल ले रहे हैं आप अर्थ ले रहे हैं आप सन ले रहे हैं ठीक है आप अपना रूम ले रहे हैं तो हर चीज के क्लोज सर्फिस एरिया का जो एंगल है वो फोर पाई स्टेरेडियन होता है ठीक एट इट्स इंटीरियर पॉइंट ये एक्सटीरियर के साथ नहीं हो सकता ये इंटीरियर के साथ होता है ठीक so, है मैं area, surface area? Surface area आपके एक वॉल का सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया का ही हिस्सा है ठीक है तो फोर पास्टीर रेडियन ये आपके पास मैक्सिमम एंगल है तो एक्सफेयर का रेडियस जो भी हो एक्सफेयर का डायमीटर जो भी हो मैं यहां पर लिख सकता हूं एमसीक्यू के द रेशियो ऑफ द रेडिया ऑफ टू स्फे इज इक्वल टू वन रेशो फोर ये आपके पास रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ स्फेस रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ स्पेयर आपके पास है रेशो ऑफ रेडियाई ऑफ स्फे आपके पास है देन वट विल बी रेशियो of their solid angle what will be the ratio of their solid angles ठीक है then what will be the ratio of their solid angles of closed surface area ठीक है तो ए ऑप्शन आपके पास वन रेशो फोर बी ऑप्शन वन रेशो वन सी ऑप्शन वन रेशो सिक्सटीन डी ऑप्शन फोर रेशो वन तो दो स्वेयर के रेडिया के जो भी रेशोज हो उनके डायमीटर्स का जो भी रेशो हो उनके एरियाज़ या वॉल्यूम्स का जो भी रेशो हो तो सॉलिड एंगल्स तमाम स्पेयर का तमाम क्लोज सर्फेस एरिया का आपके पास फोर पाई रेडिंग होगा तो वन रेशो वन ठीक है एक दूसरा एमसीक्यू मैं आपसे यह भी पूछ सकता हूं एक दूसरे में सीखियो द एंगल सबस्टेंडेड बाय ईच सर्फिस बाय ईच सर्फिस ऑफ क्यूब ऑफ क्यूब एट इट्स सेंटर विल बी डिश ए ऑप्शन वन रेडियन बी ऑप्शन फोर पाई स्टे रेडियन सी ऑप्शन आपके पास जो है थ्री पाई डिवाइड बाय बल्कि टू पाई डिवाइड बाय थ्री स्टेडियन डी ऑप्शन आपके पास जो है फोर पाई डिवाइड बाय थ्री स्टेडियन तो आंसर आपके पास क्या होगा तो देखिए मैंने यहां पर क्या लगे क्यूब और आपको पता है कि क्यूब के तमाम सर्फेसिस एरिया वो इक्वल होते हैं तो मैंने यहां पर लेके ईच सर्फिस एरिया अगर आप लोग क्यूब को देख ले तो क्यूब के सिक्स सर्फेस होते हैं तो ईच सर्फिस एरिया ठीक है मैं यहां पर अगर एक क्यूब uh, बना लू ये आपके पास क्यूब आप इसको देखिए इसके सिक्स सर्फेसिस है वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स तो एक सर्फेस एरिया तो मैंने छह में से एक लिया वन और सिक्स सर्फेस एरिया ठीक है और टोटल एंगल आपके पास कितने होते हैं फोर पाए रेडियन टू टू झा फोर टू थ्री सिक्स टू पाए डिवाइड बाई थ्री रेडियन देखे अगर सिक्स फेसेस है और एक फेस का एंगल आप ले रहे हैं तो आपके पास वन और सिक्स मल्टीप्लाई बाय फोर पाए रेडियन अगर मैं आपसे कह दू कि दो फेसेज टू फेसेस अगर मैं टू फेसेस लू तो टू इंटू वन डिवाइड बाय सिक्स मल्टीप्लाई बाय फोर पाईडियन ठीक है तो ये आपके पास टू डिवाइड बाय सिक्स फोर पाई डिवाइड बाई थ्री पर ये होगा अगर मैं तीन सर्फेस लू क्यूब के तो थ्री बाय सिक्स मीन्स हाफ ठीक है तो छ में से अगर आप एक सर्फेस एरिया ले रहे हैं तो छ में से एक फ्रैक्शन वन ओवर सिक्स मल्टीप्लाई बाय टोटल एंगल अगर आप दो सर्फेसिस ले रहे हैं तो टू डिवाइड बाय सिक्स मल्टीप्लाई बाय टोटल एंगल अगर आप तीन सर्फेस ले रहे हैं तो थ्री डिवाइड बाय सिक्स मल्टीप्लाई बाय टोटल एंगल तो आपके पास ये जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास सोलिड एंगल में जो है वो बन गया है ठीक है अब अगर मैं जो है लू आ, एक चीज इसमें से अगर मैं लू कि स्वेर है स्वेर का हाफ क्लोज सरफेस एरिया तो फोर पाई को हाफ करें टू पाई सीडन स्वेयर का वन और फोर्थ पार्ट तो फोर पाई को फोर पे डिवाइड करें ठीक है अच्छा न्यूमेरिकली नेचर वाइज नहीं नेचर वाइज सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को आप कंपेयर नहीं कर सकते ठीक है नोमेरिकली सॉलिड एंगल ये फोर पाएल टू टू मल्टीप्लाई बाय टू पाए तो ये आपके पास टू थीटा था सो याद रखे नोमेरिकली सॉलिड एंगल दू टू टाइम्स ऑफ प्लेन एंगल लेकिन नोमेरिकली अच्छा नेचर वाइज नहीं नोमेरिकली का मतलब क्या है अगर मैं आपसे पूछू न्यूमेरिकली का मतलब क्या है का मतलब होता है आप यहां पर देखें अगर मैं लिख किलोग्राम है लेकिन किलोग्राम 10, 10 और सेकेंड नहीं लिख सकते इसके साथ तो याद रखे न्यूमेरिकली सॉलिड एंगल इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ प्लेन एंगल न्यूमेरिकली सॉलिड एंगल इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ प्लेन एंगल ठीक है तो ये बात आप लोग याद रखें तो ये आपका फर्स्ट ईयर कोर्स मैंने शुरू कर लिया ठीक है फर्स्ट ईयर कोर्स भी हम पैरल में जाएंगे दो लेक्चर्स अपलोड होंगे ठीक है सुबह एक सुबह और एक शाम को और कोशिश करते कि इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजें जो है फर्स्ट ईयर चूंकि इंपोर्टेंट और आप लोग इसे भूल गया तो हम इसमें ज्यादा काम करेंगे और सेकेंड ईयर में थोड़ा सेकेंड ईयर में तो कम जो है आ, काम जो है वो रह गया है ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट ईयर के सेकंड लेक्चर में मैं स्टार्ट uh, करूंगा देखिए इसमें आपको चीजें है साइंटिफिक नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन ठीक है आसान सी चीजें हैं, प्रीफिक्सेस है ठीक है साइंटिफिक नोटेशन आप पढ़े प्रीफिक्सेस आप पढ़े ठीक है एरर्स आप पढ़े टाइप्स ऑफ एरर अनसर्टेनिटी में अपने सीक्वेंस से जाऊंगा ठीक है इसको मैं सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा फर्स्ट ईयर के सेकंड लेक्चर में तो आप गौर से जो है इसको पढ़े इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में इन टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊंगा थैंक यू सो मच